हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अभी हमारा चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसका आज हम लोग पार्ट 4 स्टडी करने वाले हैं। और ज़्यादातर बच्चों को इस पार्ट्स का, मतलब आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपके सभी कन्फ्यूजन्स दूर करूंगी बच्चों। बस आप है ना लेक्चर कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे और जो मैं बताऊंगी उसको फील करने की कोशिश करोगे, उसको इमेजिन करोगे। अगर आप ऐसा कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तो आज का टॉपिक आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आज के लेक्चर में लगने वाले जो कुछ भी टॉपिक्स है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं आपको पहले बताने वाली हूँ। उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आप सभी लोग हेडफोन लगा के बैठेंगे, नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे और उसके साथ साथ खुद की नोट्स भी बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो देखो, उसके पहले मैं आपको बता दूं, और पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। इसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। डोंट वरी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स मैंने पढ़ी है कि मैम नोट्स कब मिलेगी। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, आपको नोट्स भी मैं देने ही वाली हूँ। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा वेट करो, आपको ज़रूर नोट्स मिलेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप। देखो, लूप मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर का, एक हमने वायर लिया, स्क्वायर शेप का वायर लिया, एक वायर, वायर का ही हमने लूप बनाया है। मतलब एक वायर लिया, उस वायर को मैंने कुछ स्क्वायर शेप में कट कर लिया, ओके, और उस स्क्वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। उस करंट कैरिंग लूप के ऊपर कुछ टॉर्क लगता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको टॉर्क पता होना बहुत जरूरी है। और तो और, जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है और उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला भी आज के लेक्चर में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये लेक्चर देखने से पहले, अगर आप पहले 3 लेक्चर देखोगे, नहीं पहले 3 लेक्चर, अगर आप पार्ट 3 भी देख लेते हो तो भी आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर फिर भी किसी को नहीं देखना तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट लगने वाली है उसको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट का एक आइडिया दे देती हूँ कि हमें क्या क्या देखना है आज के लेक्चर में। पहले वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसके पहले मैं मेरी फेवरेट स्लाइड ले लूँ। ये वाली मेरी फेवरेट स्लाइड है ना, ये अच्छी है, देखो। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कितना होता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, बोलो। ऑन मूविंग चार्ज, वो होता है, मूविंग चार्ज होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। इसको मैं F बार बोलूंगी। इसी को हम लोग लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा लिखा जाता है वी बी साइन थीटा के साथ, जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, है ना, सबसे पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन, कल के लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर कितना होता है, इसकी हमने बात की थी। तो ये क्या है बच्चों, F बार इज इक्वल टू, क्यू की जगह पे हमने I रिप्लेस किया था क्योंकि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, V बार की जगह पे मैंने L बार रिप्लेस किया था, एंड B बार को हमने B बार ही लिखा था, कुछ इस तरह, है ना। तो इसी को हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे L को हमने स्मॉल L से डिनोट किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक से कंसेप्ट से, है ना। उसके बाद हमने, हाँ हमने कुछ नहीं देखा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के लेक्चर में टॉर्क यूज करने वाले। तो सभी स्टूडेंट को है ना टॉर्क क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होती तो मैं बता देती हूँ।
टॉर्क हमने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में, 11th में, बहुत सारे टॉपिक्स में, जहां जहां रोटेशन आता है, जहां जहां स्टेयरिंग घुमाना आता है, जहां जहां जार का ढक्कन खोलना आता है, जहां पे हम रोटेट करके बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको टाउ भी बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो बच्चों आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। उसके बाद मैंने राइट हैंड पाम रूल पढ़ाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा क्या होता है राइट हैंड पाम रूल। फोर फिंगर्स को हम टू द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और थंब को हम लोग टू द डिरेक्शन ऑफ करंट लगाएंगे, पाम जहां जाएगा वो रहेगी मैग्नेटिक फोर्स की डिरेक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं, तो सबको ये पता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए लगने वाली ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। वैसे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट बातें ही बता रही हूँ। हाँ तो देखो अभी यहाँ पे क्या किया है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डॉट 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 दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था जहां डॉट दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी आपकी तरफ आने वाली, मतलब आउटवर्ड, क्योंकि आने वाला एरो हमें डॉट दिखता है, जाने वाला एरो हमें क्रॉस दिखता है ना। तो जहां क्रॉस होगा उसको हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जहां डॉट होगा उसको हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ली है सभी डॉट्स है, तो ये सभी एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ली है। एंड इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक लूप रखा है। देखो लूप दिख रहा है आपको, ए बी सी डी, ये लूप मैंने रखा है। ओके इसी को हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं स्टूडेंट। अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी लूप जो है वो ए बी सी डी की लेंथ देखो कितनी है, ए बी की लेंथ एल वन है, सी डी की लेंथ एल वन है, बी सी की लेंथ एल टू है एंड ए डी की लेंथ भी एल टू है। तो इसको हमने कैसे रखा है वो तो मैं हाँ बता देती हूँ कैसे रखा है। देखो बच्चों ठीक से ऑब्जर्व करना है, क्या किया हमने, एक लूप लिया ए बी सी डी जिसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और कैसे रखा है देखो, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ए बी को एंड सी डी को मैंने ऐसे रखा है ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो। ए बी को एंड सी डी को ऐसे रखा है ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो, एंड डी ए डी एंड बी सी ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो कैसे रखा है देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, ओके ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, दिख रहा है सबको, आई कैन सी, यस दिख रहा है सबको। हाँ तो देखो ये मान लो इसकी लेंथ है एल वन, ये मान लो इसकी लेंथ है एल वन, ये इसकी लेंथ है L2, ये इसकी लेंथ है L2। तो मैंने क्या बोला, L1 को हम परपेंडिकुलर रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कैसे रखा देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको कैसे रखेंगे बच्चों बोलो, परपेंडिकुलर रखना है तो मैं इसको ऐसे रखूंगी, ऐसे देखो ऐसे रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोचो, हाँ जरा दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मतलब बाहर आती हुई, और ये इसका L2 है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका L2 है, ऐसे दिख रहा है ना, L2 नहीं सॉरी L1, L1 है, ऐसे दिख रहा है ना। तो ये L1 है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दिस एंड दिस, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्लियर एवरीवन। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को परपेंडिकुलर रखा, लेकिन ये फेस मतलब ये L1 L2 एंड ये L2 दोनों इस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो गए, समझ में आ रहा है। इसको हमने ऐसे रखा, ये आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये इसको L2 सॉरी L2 नहीं L1 है, ये L1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है एंड ये जो L2 है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है। इसी को हमें अभी यहाँ पे लिखना है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर बट ए डी या फिर डी ए बोलो, डी ई एंड बी सी आर नॉट। देखो तो इसको मैं अभी स्टेप वाइज लिखती हूँ, कैसे रखा पहले ये तो ये समझ लिया, ठीक है इन दोनों को परपेंडिकुलर रखा लेकिन ए बी सी को नहीं रखा। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगी, कंसीडर अ लूप
कंसिडर अ लूप, कौन सा लूप, ए बी सी डी केप्ट इन अ केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, विच इज बी बार, जिसको हमने क्या नाम दिया, बी बार. ओके, सच दैट, कैसे रखा बच्चों, सच दैट ए बी एंड सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये दोनों ऐसे है तो दोनों परपेंडिकुलर है. ए बी एंड सी डी साइड्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड एंड बी सी एंड डी ए नॉट, बी सी एंड डी ए नॉट, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है. ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की बच्चों. अभी इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की हम लोग बात करेंगे. देखो यहाँ पे, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बी सी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले ये देखो, सी डी के ऊपर एफ वन लग रहा है, देन डी ए के ऊपर एफ टू लग रहा है, ए बी के ऊपर एफ थ्री लग रहा है टू दिस डिरेक्शन, एंड इसके ऊपर एफ फोर. अभी यहाँ पे इन फोर्सेस की डिरेक्शन है ना, ऐसे आउटवर्ड दिखाई है आपको, लेकिन आप समझ लो. देखो इसमें से करंट पास हो रहा है, करंट कहाँ पास हो रहा है दिख रहा है आपको, ये करंट पास हो रहा है, ऐसे 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 करंट पास हो रहा है. तो अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे बच्चों, इसको हमने कैसे रखा है, ऐसे रखा है ना. हाँ, तो ये मान लो करंट पास हो रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, करंट ऐसे पास हो रहा है ऐसे, तो फोर्स कुछ इस डिरेक्शन में, नीचे की डिरेक्शन में फोर्स लगेगा इस फेस के ऊपर, है ना. यहाँ पे देखो करंट पास हो रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इस डिरेक्शन में. तो पहले आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, मैग्नेटिक फील्ड इस डिरेक्शन में, करंट ऐसे पास हो रहा है. बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन में लगेगा, समझ में आ रहा है. क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एफ इज इक्वल टू होता है आई इंटू एल बार क्रॉस बी बार. इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई एल बी साइन थीटा, है ना. अब देखो यहाँ पे जिस डिरेक्शन में लेंथ है उसी डिरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. देखो ये देखो, जिस डिरेक्शन में लेंथ है उसी डिरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डिरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर है लेकिन ये दोनों को एक ही डिरेक्शन में है. कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, इमेजिन करो, रट के आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, लेकिन है ना इसको अंडरस्टैंड करोगे तो लेवल बढ़ जाएगा आपके नॉलेज का, और आसानी से इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डिरेक्शन में, लेंथ भी इस डिरेक्शन में, दोनों इस डिरेक्शन में, करंट फ्लो भी उसी डिरेक्शन में हो रहा है. और यहां पे अगर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डिरेक्शन में, अपोजिट डिरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेंथ इस डिरेक्शन में जाएगी. इसका मतलब अगर इस डिरेक्शन का एंगल लू तो एल बी का एंगल जीरो आएगा, इस डिरेक्शन का एंगल लू तो एंगल एल बी का एंगल 180 आएगा. तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, दोनों की वैल्यू जीरो. तो इस केस में मुझे जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो. किस केस में बच्चों, इस केस में एंड इस केस में, मतलब फोर्स एफ टू एंड एफ फोर आर जीरो हियर, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन्स, हेंस दे कैंसल आउट ईच अदर. एक इस डिरेक्शन में, एक अपोजिट डिरेक्शन में, कैंसल आउट ईच अदर, हेंस वहां पे फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा. समझ में आया सबको, तो यही पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. अब देखो यहाँ पे इन्होंने फोर्स कितना दिखाया है, मैं बताती हूँ. तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी ये जो लूप है उसको कुछ एंगल में रखा है, मतलब कैसे रखा है देखो, चेक करो यहाँ पे देखो. अभी ये L2 एंड ये L1, L1 सॉरी, ये दोनों क्या है, L1 और ये क्या है L2. तो L1 को परपेंडिकुलर ही रखना है, बस L2 को है ना थोड़े से एंगल से टिल्ट करना है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे टिल्ट कर दो, है ना. ये मैग्नेटिक फील्ड है और इससे कुछ एंगल पे हमने क्या किया, उसको टिल्ट किया, मतलब थीटा जितने एंगल से उसको टिल्ट किया. बट ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना,
आप इस लूप को ऐसे रोटेट करोगे, फिर भी ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही रहने वाली है। बस हमने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मतलब ये जो एंगल है ये हमने क्या किया, कुछ एंगल में रखा इसको। देखो यहाँ पे कुछ एंगल बनाया इस लूप का, इस फेस का कुछ एंगल बनाया, थीटा जितने एंगल से उसको टिल्ट किया। तो ये थीटा, तो एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। दिखा दूं आपको, देख एक मिनट, देखो यहाँ पे देखो ये वाला देखो। तो ये हमने लूप को कुछ ऐसे टिल्ट कर दिया, मतलब लूप को थोड़ा सा टिल्ट किया, तो ये एंगल कितना है थीटा। तो इसका एंगल इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो उन्होंने एंगल कितना कंसिडर किया है, 90 माइनस थीटा। बट ये अलोंग द सेम लाइन लग रहा है, इसकी वजह से वो कैंसल आउट होता है, इसी डिरेक्शन में लग रहा है ये वाला फोर्स, तो वो कैंसल आउट। कौन सा फोर्स, F2 एंड ये वाला F2 एंड F4 दोनों भी सेम लाइन में लग रहे हैं, तो वो कैंसल आउट कर रहे हैं, एक इसी लाइन में एक इसी लाइन में अपोजिट डिरेक्शन में लग रहे हैं। तो हम लिखेंगे forces acting on four sides are F1 bar, F2 bar, F3 bar and F4 bar। ऐसे forces acting होते हैं। तो मैंने क्या बोला, F2 कितना है, देखो फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, I L B sin theta। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, F2 and F4 is ये कौन सी फेस पे, कौन सी लेंथ पे एक्ट हो रहे है, L2 के ऊपर। तो हम लिखेंगे दैट इज F2 is equal to I L2 B sin, कितना एंगल लग रहा है, 90 माइनस थीटा। इतने एंगल से वो लग रहे हैं, 90 माइनस थीटा जितने एंगल से वो लग रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है, अभी मैंने क्या बताया, बट दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। यहाँ पे हम लिखेंगे दीज फोर्सेस F2 and F4 bar आर acting along the same line, hence they cancel out each other along the same line but opposite in direction, hence they cancel out each other, एक दूसरे को कैंसल कर रहे है ना, अलोंग द सेम लाइन भी है अपोजिट भी है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी, F1 and F3 की बात करते हैं। अब देखो बच्चों ठीक से देखो, अब F1 मान लो यहां पे लग रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड डिरेक्शन में। यहां पे इस साइड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बट करंट इसका अपोजिट डिरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड डिरेक्शन में। समझ में आया, देखो करंट ऐसे पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, पाम रूल यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, फिंगर्स को मैंने उस डिरेक्शन में लगाया, थंब को करंट की डिरेक्शन में लगाया, फोर्स कहां लग रहा है, पाम कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, तो इसका फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। ओके, इस फेस की बात करते हैं, अब करंट फ्लो यहां से जाएगा, करंट फ्लो अभी कौन सी डिरेक्शन में है, ये डिरेक्शन में करंट फ्लो, ये डिरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट फ्लो इस डिरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। समझ लो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन में हमने फिंगर्स लगाए, करंट फ्लो की डिरेक्शन में थंब को घुमाया, पाम कहां जा रहा है, अपवर्ड। मतलब बच्चों इस लाइन के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्शन में लग रहा है, इस लाइन के ऊपर फोर्स अपवर्ड डिरेक्शन में लग रहा है। यहां पे कैसे था, एक इधर था एक इधर था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करे, बट ये इस डिरेक्शन में, ये इस डिरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया, तो इस डिरेक्शन में एंड इस डिरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये कुछ ऐसे करेगा, मतलब ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द टॉर्क।
किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं इक्वल एंड अपोजिट, उसको हम बोलते हैं टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं और उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये लूप में रोटेशन आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कहा जाता है टॉर्क बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हमें वही लिखना है। यहाँ एक्स्ट्रा स्लाइड में लेना चाहूंगी, F1 एंड F3 कितने नंबर का पॉइंट है, ये 3, उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट लिखो, F1 एंड F3, F1 बार एंड F3 बार आर कितने फोर्सेस है I, अभी इनका इनका देखो, इनका लेंथ कितना है बच्चों, ये कितना है L1, ये था L2, तो हमने I L2 लिया, अब ये L1 है तो ये क्या लेंगे, I I L1 B साइन कितना, ये तो दोनों क्या है, एक लाइन को परपेंडिकुलर है ना, हमने देखा B को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90। ओके, therefore F1 and F3 are I L1 B sin 90 acting on the faces, acting on the two sides, on the two sides in such a way that they produce एक सेकेंड बच्चों ऐसी लगा देती हूँ, they produce torque in the current carrying loop। ओके, तो अभी ये टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो दो फोर्सेस की वजह से, F1 की वजह से एंड F3 की वजह से, तो नेट टॉर्क क्या बनेगा बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, देयरफॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज, दो तो कैंसल आउट कर गए, तो टॉर्क कितना बनेगा, टाउ वन और टाउ थ्री, एफ वन एंड एफ थ्री की वजह से टाउ वन, एफ थ्री की वजह से टाउ थ्री। अब इस टाउ वन को एंड टाउ थ्री को हमें कैलकुलेट करना है, तो मैंने टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने अभी बताया आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स कितना है, फोर्स मैंने आपको बताया कितना, फोर्स तो हमें पता है कितना है, देखो एक मिनट, ये कितना है, ये इतना, I L1 B sin 90 की वैल्यू 1 है तो वो मैं नहीं लेती, I L1 B, पहले हम tau 1 निकालते हैं, ये कितना आएगा I L1 B into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो कितना है, इसके लिए मैं आपको है ना ये स्लाइड बताती हूँ, देखो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये स्लाइड यूज करनी है, एक्चुअली वही है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमने ऐसे दिखाई है, तो अब मैं फ्रंट व्यू दिखा रही, तो अब हम साइड व्यू देख रहे हैं इसका, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, हम साइड से देख रहे हैं, लूप को हमने ऐसे रोटेट कर लिया, मतलब कुछ एंगल से हमने घुमा दिया, कितने एंगल से, थीटा जितने एंगल से हमने घुमा दिया, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अब देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डिरेक्शन में एंड इस डिरेक्शन में फोर्स लगा, इक्वल एंड अपोजिट, मैंने आपको बताया ना एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, एक फोर्स लगेगा अपवर्ड, तो इक्वल एंड अपोजिट, मान लो ये अपवर्ड का फोर्स, ये डाउनवर्ड का फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो इसमें रोटेशन आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये फोर्स है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनेगा बच्चों, ये फोर्स है एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये फोर्स है ना, ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेम, ये फोर्स है, इसको मैं रोटेट कर दूं यहां तक, ये फोर्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, मतलब ये सेम लाइन है, इन दोनों का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बच्चों देखो ये टोटल कितनी लेंथ है, इस वायर की लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की, L2 कितनी है, L2, क्योंकि वही फेस को हमने घुमाया ना, तो ये कितनी है, L2, L2 का हाफ बनेगा यहाँ पे, कितना L2 by 2 और ये भी कितना होगा L2 by 2, ये L2 by 2, देखो एक ही निकालते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये निकालते हैं, इसके ऊपर फोकस करो, ये कितना है L2 by 2, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा,
ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो कैसे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है, तो ये तीनों की एडिशन कितनी होती है 180। तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस, इसको मैं x मान लेती हूँ, इसकी एडिशन होगी 180। तो ये 180, 90 प्लस 90 180 गेट कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये माइनस थीटा इस साइड शिफ्ट होने के बाद माइनस थीटा। तो ये थीटा, ठीक है, ये थीटा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा देती हूँ। हाँ, मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो इसके लिए मैं कौन सा लॉ यूज़ करूँगी, अपना सो का टोवा यूज़ कर लो। सो कितना है, सो इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, वाइट कलर लेती हूँ। सो इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इसलिए इतना चल रहा है। आप डायरेक्टली लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई पूछेगा नहीं आपको, बट कैसे आया इसलिए मैं बता रही हूँ। ये देखो, ये एल टू बाई टू है, ओके। अब थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली अपोजिट साइड, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो अपोजिट साइड ये वाली, इसको मैं एक्स बोल दूं चलेगा, और हाइपोटेनस ये वाला है ना। तो देखो यहाँ क्या आएगा, इसको रफ कर देते हैं, क्या आएगा देखो जरा, अपोजिट साइड एक्स, जिसको मैंने नाम दिया साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड जो मुझे चाहिए, एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है मेरा, एल टू बाय टू, ओके। तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये एल टू बाई टू इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ। तो एक्स इज इक्वल टू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बनेगा 1/2 एल टू साइन थीटा। कैसे आया समझ में आया, ये ट्रायंगल मैंने लिया, ये एल टू बाई टू है, ये थीटा की अपोजिट साइड एक्स है, ये हाइपोटेनस है। तो एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेनस किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मतलब एल टू बाई टू को मैंने इधर शिफ्ट किया तो एक्स इज इक्वल टू एल टू बाई टू साइन थीटा मिलेगा। ये है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, यहाँ पे कितना, हाफ एल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि दोनों के ऊपर इक्वल है ना, अपोजिट फोर्स लग रहा है, बस एक एफ वन है एक एफ थ्री है, दोनों के लिए सेम आएगा हाफ, क्योंकि दोनों की साइड भी तो सेम है, मतलब लेंथ दोनों की सेम है, एल टू साइन थीटा। इसका मतलब टॉर्क वन कितना बनता है, टॉर्क वन इज इक्वल टू टॉर्क थ्री, दोनों भी सेम है, कितना बनेगा, आई हाफ पहले लिख ले बच्चों, हाफ पहले लिख लेते हैं ना, इस हाफ को आगे ले लो, हाफ आई एल वन एल टू, एल वन एल टू बी उसके साथ लगेगा साइन थीटा, ये दोनों है। अब इसका यूज करके मैं ये टॉर्क निकाल सकती हूँ, कैसे देखो, इस टॉर्क को अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू जिसका फॉर्मूला हमें चाहिए आज के लेक्चर में, हाफ इंटू आई एल वन एल टू बी साइन थीटा ड्यू टू टॉर्क वन, और टॉर्क थ्री भी तो सेम है, प्लस हाफ आई एल वन एल टू बी साइन थीटा, ओके। तो बच्चों हाफ को प्लस करो, कितना आएगा वन, हाफ प्लस हाफ कितना होता है वन, तो वन को नहीं लिखा तो भी चलेगा, मुझे मिलेगा आई एल वन एल टू बी साइन थीटा। तो बच्चों एल वन इंटू एल टू मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया, तो इसकी जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, और यही है हमारा आज के लेक्चर का हीरो, मतलब हमारा फॉर्मूला आई ए बी साइन थीटा। ये मैंने बस एक टर्न के लिए निकाला, मान लो ऐसी एन टर्न से इस लूप में एन टर्न से, तो एन टर्न्स के लिए क्या आएगा, फॉर एन टर्न्स टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए बी साइन थीटा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार मार्क्स के लिए आपको ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसके ऊपर है ना जेई 2019 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था।
क्वेश्चन में नहीं लेती, जब क्वेश्चंस लूंगी तब बताऊंगी बच्चों। अभी अभी फिलहाल तो बस थियरी पे फोकस करना है, जल्दी से सभी थियरी आपके बोर्ड एग्जाम के पहले मुझे खत्म करनी है, और डोंट वरी, मैं खत्म करवा के रहूंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ इसका पहले लो, ऐसे ही सेम एज इट इज आंसर लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं। अगर ऐसा आंसर लिखा तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मीनाक्षी मैम की गारंटी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ओके स्टूडेंट्स। चलते हैं अभी इसी के ऊपर बेस्ड एक फेनोमिनॉन है, जिसके ऊपर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट चलता है, उसके बारे में सोचते हैं अभी। ये भी डायग्राम निकालो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ना तो वो वाला डायग्राम भी निकालो, ये वाला डायग्राम भी निकाल लो। ओके चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये वाला देखो। इसी टॉर्क के फेनोमेना के ऊपर बेस्ड हमारा ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको याद होगा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट डिटेक्ट करने के लिए, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इसी फेनोमेनॉन के ऊपर बेस्ड होता है। कैसे, देखो ये गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ना उसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ। उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है, एक मिनट मैं दिखा ही देती हूँ आपको, इसको तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। हाँ चलो इसी को देख लेते, देखो क्या किया है यहाँ पे। देखो एक ये कॉइल ली है, ये कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर, ये कॉइल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड इस कॉइल को हमने नीचे से एक स्प्रिंग लगाई है कुछ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में ये कॉइल का फ्रंट व्यू है और ये सॉफ्ट आयन कोर है, और इसको आगे, फिर इसको आगे है ना कुछ ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कॉइल, ये कॉइल, इस कॉइल को हमने दो टर्मिनल लगाए हैं, मान लो यहाँ से एक टर्मिनल, यहाँ से एक टर्मिनल, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव रहेगा, ये टर्मिनल आपका निगेटिव रहेगा, फिर यहाँ पे फर्दर सर्किट कनेक्ट होगा, एंड इस कॉइल को एक ऐसा इंडिकेटर होता है ना, जो कि ऐसे रोटेट करेगा। तो कॉइल जब रोटेट होगी, कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से जब हम करंट फ्लो करेंगे, यहाँ पे सर्किट कनेक्ट होगा, यहाँ पे मान लो ऐसे सर्किट कनेक्ट किया है, इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, यहाँ से पॉजिटिव वायर में से करंट फ्लो होगा, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डिरेक्शन में है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग 90 डिग्री मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जो कि परपेंडिकुलर रहेगी उस कॉइल के दो फेजेस को, जैसे हमने लिया था, तो उसको हम कॉइल को वैसे ही लगाते ताकि वहां पे परपेंडिकुलर रहे वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो यहां से करंट फ्लो हो रहा है एंड ये इसको परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से कॉइल को टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने की वजह से ये कॉइल का इंडिकेटर जो है वो रोटेट करेगा, इंडिकेटर रोटेट करेगा, यहां तक गया मान लो, उसके बाद वापिस उस इंडिकेटर को उसके ओरिजिनल जगह पे लाने के लिए, काउंटर क्लॉक वाइज बैलेंस करने के लिए कौन मदद करेगी, ये स्प्रिंग, तो वो रोटेट होगा, स्प्रिंग रोटेट होगी, और जब करंट फ्लो बंद कर दिया तो स्प्रिंग वापस उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगी कुछ इस तरह। तो ये स्प्रिंग काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगाती है, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगाती है स्प्रिंग, और ये उसके ऊपर मान लो कौन सी डिरेक्शन में, जो डिरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है उस डिरेक्शन में उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्क करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर एक नॉर्थ साउथ का मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हो रहा है और उसके अंदर से करंट भी पास हो रहा है, और कॉइल होने की वजह से वो कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है, मतलब टॉर्क लगता है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। अब इसके ऊपर है ना आपको एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद अ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के देती हूँ, जिसको चाहिए ये फास्ट भी आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कैसे वो मूव करता है, कुछ एंगल बना।
इसी को अभी मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले डायग्राम भी निकालना है, ये डायग्राम अगर याद ना रहे तो इसको निकालो, ये निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी डायग्राम आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले उसका प्रिंसिपल देख लो बच्चों, ये प्रिंसिपल हमें लिखना है। सबसे पहले प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऐसे हम लोग लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ कॉइल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, एक करंट कैरिंग कॉइल है, इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सस्पेंड किया, ठीक है। सस्पेंड किया मतलब ऐसे, जैसे कि किसी रॉड को हमने मान लो थ्रेड लगा के छोड़ दिया हो, ऐसा है ना, ऐसा सस्पेंड करना बोलते हैं हम उसको। अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। कैसे लगता है ये मैंने टॉर्क में पढ़ाया। द टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल अबाउट द फिक्स अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, कॉइल को रोटेट करेगा अबाउट द फिक्स एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम, उसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये रहा प्रिंसिपल ऑफ द MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों अभी हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या क्या लिखोगे देखो, सबसे पहले MCG कंसिस्ट ऑफ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू रोटेट अबाउट a fixed axis of suspension, okay। एक मूविंग कॉइल ली हमने जिसमें करंट पास हो रहा है, उसको हमने सस्पेंड किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अबाउट अ फिक्स एक्सिस टू रोटेट करने के लिए। ये क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, ये पहले हम क्या लिख रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में दो पॉइंट्स ही है बस, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दिया, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसके बाद हमने एक सॉफ्ट आयन कोर भी लिया है, ये वाला जिसके ऊपर ये कॉइल है। वो सॉफ्ट आयन कोर क्या करेगा पता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाएगा और रेडियल करेगा। सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयन कोर to make a magnetic field radial and strong, okay। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग क्या है। देखो इसका सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें से करंट पास करेंगे, कॉइल में से करंट पास होने की वजह से उस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल आप लोग है ना फास्ट भी जा सकते हैं आगे, थ्रू द कॉइल 2K स्पीड से देख सकते हैं जब मैं राइटिंग करूंगी, है ना, बोर होता होगा तो लिखने में कॉइल, देन टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। और वो टॉर्क कितना है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 90, मैंने अभी बताया थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 90 डिग्री, उसको हमने वैसे ही फिक्स किया है, तो साइन 90 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1।
तो मुझे टॉर्क कितना मिलता है यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू मिलता है एन आई ए बी, वेयर एन क्या है वो भी लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स की ही कॉइल हमने ली है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है यहाँ पे करंट, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ए क्या है उसका एरिया, एरिया ऑफ कॉइल, एंड बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ओके ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, अभी तक फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, रुको ठीक है, इसको मैं नाम देके रखती हूँ इक्वेशन नंबर वन। ये अभी मैंने आधा इक्वेशन कंप्लीट कर लिया, इक्वेशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब जैसे ही ये टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा वैसे स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग अपना अपोजिट टॉर्क लगाएगी, तब तक वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही ये टॉर्क वहां पे आ जाएगा स्प्रिंग क्या करेगी, खुद का टॉर्क लगाएगी, वो काउंटर क्लॉकवाइज बैलेंस करने के लिए, उसको इस कॉइल को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द कॉइल अ काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज एक्टिंग बाय द स्प्रिंग ऑन अ कॉइल। ओके उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग होगा। अब जैसे ही ये टॉर्क लगेगा तो कॉइल जो है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट करेगी, है ना, वो एंगल को हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, फाइव जितना एंगल हम लोग लेने वाले हैं, और जितना ही ये टॉर्क इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्शन होगा। मतलब देखो मान लो यहाँ पे था, ये डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा, देखो ये ऐसे गया था किसकी वजह से, टॉर्क करंट की वजह से, स्प्रिंग उसको वापिस ऐसे ला के रखेगी, ये क्लॉकवाइज ये काउंटर क्लॉकवाइज, समझ में आया, स्प्रिंग ने ऐसे गया तो स्प्रिंग जो है नीचे की वो ट्विस्ट हो गई, वो जब ऐसे गया तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो गई, जब ट्विस्ट होने के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग स्प्रिंग है, स्प्रिंग थोड़ी ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी, वो जैसे ही फोर्स खत्म होगा, तो जैसे ही फोर्स खत्म हो गया वो वापस आ गई, मतलब वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन, वो ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगी, तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम कौन करती है, स्प्रिंग करती है। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। प्लस देखो उसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कौन सा, टू हो गया है ना, नहीं सॉरी ये वन, वन ही पॉइंट चल रहा था, टू देखते हैं अभी। सेकेंड पॉइंट, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल to balance it due to a spring. Okay, third point, due to the torque phi deflection occurs in the coil. Phi deflection हुआ, occurs in the coil. Okay. And if torque increases, then deflection also increases. तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, मतलब टॉर्क इसको क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, फाई को, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट के लेते हैं हम लोग फाई, और बच्चों ये के क्या है यहाँ पे, दिस इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल पेंडुलम आपको याद होगा, टॉर्शनल कांस्टेंट हम बोलेंगे इसको के को, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब देखो इक्वेशन वन भी टॉर्क का है एन आई ए बी, इक्वेशन टू भी टॉर्क का है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट दिस वन एंड टू, ये दोनों टॉर्क को हम इक्वेट कर सकते हैं, के फाइव इज इक्वल टू एन आई ए बी, राइट। बच्चों अभी यहाँ मुझे फाइव का और करंट का रिलेशन बताना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस फाइव को एज इट इज रखती हूँ, के को इधर शिफ्ट करती हूँ, तो क्या बनेगा, फाइ इज इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आने के बाद ये पूरी टर्म को क्या बनेगा, डिवाइड। ओके
यहाँ पे भी देखो अभी सब कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बस सर्किट का जो करंट है वो चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू, मैंने सभी कांस्टेंट टर्म्स को एक जगह ले लिया, डिवाइड बाय के किया, और ये आई को मैंने साइड में कर दिया क्योंकि वो चेंज कर रहा है खुद को। तो बच्चों ये सभी कांस्टेंट है, इससे मैं लिख सकती हूँ फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई, है ना। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को हटा के हम कौन सा साइन पुट करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन इंडिकेटर उतना आगे भागेगा और उतना हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिखेगा। स्पीडोमीटर के ऊपर नंबर्स रहेंगे, उतना ज़्यादा हमें मैक्सिमम वैल्यू दिखेगा। ऐसे वर्क करता है बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, समझ में आया सबको। एज करंट इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन इन द कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड टॉर्क का टॉपिक। जल्दी से बच्चों, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट, एक मिनट, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी लें। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप लोग अभी, एक मिनट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी समझ में आ गया होगा आपको, होप सो। अभी हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, स्टार करो इसको, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है बच्चों, स्टार करके रखना है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज बीन फिटेड विथ अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग 50 टर्न्स। गिवन लिखते चलो स्टूडेंट्स, गिवन लिखते चलो, कितनी टर्न्स है, 50 टर्न्स। स्टार करो इसको, एक्सरसाइज का सवाल है। गिवन 50 टर्न्स, मतलब एन इज इक्वल टू कितना है, 50, एंड डायमेंशन 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब एरिया देके रखा है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी को हम लोग लिखेंगे 15 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। कैसे किया समझ में आया, सेंटी की वैल्यू माइनस टू, उसका मैंने क्या किया स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4, तो ये बनेगा -4। पहले सेंटीमीटर को मीटर में कंवर्ट कर लिया करो, हमेशा ऐसा यूनिट में वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया करो, तो ये बनेगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखो क्या है, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज ऑफ 0.05। मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी कितना दिया है 0.05। इसको मैं कैसे लिखती हूँ स्टूडेंट, 5, ये पॉइंट मैं दो डिजिट शिफ्ट करूँगी तो ये बनेगा 10⁻²। राइट में शिफ्ट किया तो माइनस, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस, वेबर पर मीटर स्क्वायर। द टॉर्शनल कांस्टेंट के की वैल्यू देखे रखी है, कितनी दी है के की वैल्यू, 1.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री। ओके, डिफ्लेक्शन है ना, तो डिग्री। ऑब्टेन करंट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, मतलब हमें आई निकालना है स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर। क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला डिराइव किया हमने, ये वाला, यहाँ पे मुझे आई निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा पहले ये यूज़ करते हैं हम लोग, के फाई इज इक्वल टू एन आई बी, तो एन ए बी को इधर शिफ्ट करते आएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिखती हूँ के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, के फाई डिवाइड बाय एन ए बी, ये सभी वैल्यूज हमें पता है बच्चों, सब पुट कर दो। आई इज इक्वल टू के कितना है 1.5, इसको मैं एक काम करती हूँ ना, इसको मैं 15 कर लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है बच्चों, है ना। इसको मैं क्या करती हूँ 15, तो 15 मैंने राइट में शिफ्ट किया तो -9 - 1 - 10 बन जाएगा के की वैल्यू, हमें आई निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको लिखती हूँ 15 × 10⁻⁹,
कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ऐसे किया, 10^-10। फाइ कितना दिया है, फाइ दिया है, कहाँ गया फाइ, डिफ्लेक्शन दिया था ना, इज ऑफ, कितना दिया है फाइ। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज बीन फिटेड विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग 50 टर्न्स, डायमेंशन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज ऑफ 0.05 दिया है। हाँ हाँ, ये देखो डिफ्लेक्शन कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हमें फाइ कितना दिया है बच्चों, 30 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगी 30 को भी मैं क्या करती हूँ पता है क्या, 3×10 कर लेती हूँ। 10 की पावर में जितना कन्वर्ट करोगे ना अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन देखो अभी मैं कैसे करूँगी आसानी से। n को मैं क्या लिखती हूँ, 50 है ना, तो 5×10 लिखती हूँ, चलेगा। एरिया कितना है, 15×10^-4, उसको ऐसे ही रखो, 15×10^-4। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है बी, 5×10^-2, है ना, -2। तो देखो ये 15 कैंसिल हो गया, 5 का कितना बनेगा, 5×5 = 25 बनेगा। I इज इक्वल टू, ऊपर बस 3 बचा है, 3×10^-10, यहाँ 1 है, -10 + 1 बनेगा -9। ये कितना है 1, एक मिनट, नीचे की पहले 10 की पावर इकट्ठा कर लेते हैं, 5×25×10^1 + 1, 1, 1, 1, ये -2 है ना, 1 - 4, 1 - 4, -2, ओके। I इज इक्वल टू, ये देखो कितना बनेगा, इट इज 0.25, ओके, मतलब 5 बचा, 25 × 2 = 0.12। देखो बच्चों कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, 0.12 आएगा ये आंसर, 0.12। अब बस 10 की पावर बची है, 10^-9, तो एज इट इज रहेगा। नीचे देखो -2 - 2 - 4 - 2 - 6 + 1 -5 ऊपर जाके बनेगा +5, ओके। तो कितना होगा, I इज इक्वल टू 0.12 को एज इट इज रखो, ये -4 बनेगा, -4। क्या एक बार देख लेती हूँ क्या दिया है आंसर, यस करेक्ट है, उन्होंने आंसर दिया है 12×10^-6, मतलब ये 12 को पॉइंट को मैं उधर शिफ्ट करूंगी, I इज इक्वल टू कितना बनेगा, 12×10^2, दो डिजिट शिफ्ट किया तो -4 - 2 - 6 बनेगा एम्पियर, ये मुझे मिला करंट। बच्चों कितना आसान, देखो डिफिकल्ट अगर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पॉइंट का कैलकुलेशन है क्या करें कैसे करें, ऐसे अगर आप 10 की पावर में कर लोगे ना कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। पॉइंट सब हटा दो, पॉइंट हटा, बच्चों को पॉइंट देख के ही डर लगता है, पॉइंट सब हटा दो उसके बाद कैलकुलेशन करो तो बहुत आसान। लॉग टेबल की जरूरत पड़ी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता कि यहाँ पे लॉग टेबल चाहिए, बट विदाउट लॉग टेबल हमने इसको सॉल्व किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो बच्चों इसी से रिलेटेड और एक सवाल यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, ये गलती से सेम क्वेश्चन आ गया, ये देखो ये सेम सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, मतलब यहाँ पे गिवन लिखो, एन कितना दिया है 100, ईच ऑफ एरिया 10 cm², एरिया कितना दिया है 10 cm², मतलब एरिया इज इक्वल टू आएगा 10×10^2, सेंटी की वैल्यू स्क्वायर होने की वजह से -4 m², यहाँ 1 है यहाँ -4 है, दोनों को ऐड करोगे तो 1 - 4 बनेगा 10^-3 m². हैंग्स फ्रीली इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द कॉइल डिफ्लेक्स थ्रू 30 डिग्री, मतलब फाइ देके रखा है आपको 30 डिग्री। When a current of 5 μA, मतलब I कितना दिया है 5 μA, so I is equal to बनेगा 5 μ की वैल्यू 10^-6 A is passed through it. If the torsional constant of suspension fiber is 25×10^-9, K कितना देके रखा है 25×10^-9 न्यूटन मीटर पर रेडियन। बच्चों ये रेडियन में है देखो, तो हमें एंगल भी रेडियन में ही लेना पड़ेगा, ये रेडियन में है तो एंगल भी रेडियन में लेना पड़ेगा। रेडियन में कितना आएगा, 30 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 30×π/180, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, 0 0 कैंसिल होगा, 3 6 18,
ये बनेगा 5/6, तो हमें वैल्यू रेडियन की पुट करनी होगी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, हमें बी निकालना है बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वापिस सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी। अब मुझे बी निकालना है, बाकी टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, के फाई डिवाइड बाय एन आई ए, सभी वैल्यूज पुट कर दो। के कितना है, 25 इंटू 10^-9। फाई कितना बोला, पाई बाय सिक्स डिवाइड बाय 6 कर दो इसको, इंटू ये एन कितना है, 100 है, 100 को हम 10^2 लिख लेते हैं। आई कितना दिया है, 5 माइक्रो एम्पियर, मतलब 5 × 10^-6 आएगा। एरिया कितना है, 10^-3। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, वो भी पुट कर देते हैं। ये देखो 5 × 5 = 25 बनेगा, 5 × ये कितना है, 3.14, ये 10^3 एक जगह ले लो, 2 − 3 − 3 − 3 कितना होगा, −9। एक काम करते हैं, ये ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, देखो नीचे 6 है, 6 × 10^2 × 10^−9, नीचे भी −9 बन रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, ये 10^2 एज इट इज रखो इज इक्वल टू। अब देखो ये 6 से डिवीजन जा सकता है, 0.5 = 30, 1 remaining 2 = 12, 2 remaining 3 है ना, 5 × 2 = 3, 0.2। क्या किया मैंने, समझ में आया, डिवीजन कर लिया मैंने, 3.12। अगर आपको ऐसे नहीं आता ना तो इस ऐसे 6 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा, 0, तो ये 31 बनेगा, तो 31 मतलब कितना, 6 × 5 = 30, 31 में से 30 क्या, 1 remaining 4, 6 × 5 = 30, तो 6 × 2 = 12, तो 12 में से that is 2, अगेन मुझे 0 लेना पड़ेगा, 20 मतलब 6 × 3 = 18 बनेगा, 6 0.523, तो 5 × 0.523 करो, इंटू ये 10^2 ऊपर जाके क्या बनेगा, −2 बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो अभी, बस हो गया 15, 11, 25 and 26, 2.615 × 10^-2। लेट मी चेक द आंसर, ये स्टूडेंट्स करेक्ट है, उन्होंने दिया है 0.26 और 10^-2 मल्टीप्लाई कर दिया इधर, मतलब 0.2615 टेस्ला, वेबर, इसका और भी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला भी लिखा तो भी चलेगा, और इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट है, तो ऐसे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। समझ में आए बच्चों, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, इस टॉपिक से रिलेटेड था, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 10.7 टॉपिक था आज का हमारा, 10.7 टॉर्क ऑन अ करंट लूप, थोड़ा बड़ा टॉपिक था आज का, पूरा एक लेक्चर लग गया उसको, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप, बहुत ही अगर अंडरस्टैंड करोगे इस टॉपिक को बहुत आसान लगेगा, लेकिन अच्छे से समझना है आपको हर एक टॉपिक को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन JEE नीट CET दोनों में पूछे जाते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला है NIAB sin θ, ये हमें याद रखना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फाई का फॉर्मूला भी याद रखो, उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सिखाने में मज़ा आया, इतना एक घंटा हो गया लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इंजॉय किया है ना। तो बच्चों आप भी ऐसे ही लेक्चर देख के इंजॉय करते चलो, पढ़ाई करते चलो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, जम के मास आएंगे, ठीक है। तो आज मैं यहाँ अलविदा बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय टू एवरीवन।